subscribe to the channel and hit the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कोई टॉपिक या कंटेंट नहीं डिस्कस करने वाले हैं, बट उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अब जो 30 डेज बचे हैं उसमें क्या स्ट्रैटेजी हमारी होनी चाहिए ताकि हम GRF क्लियर कर पाए। सो जैसे कि आप सभी को पता होगा, कल ही नोटिफिकेशन निकला है NTA की तरफ से कि एग्ज़ाम्स हमारे नेक्स्ट मंथ हो रहे हैं, जिसमें बिल्कुल 30 डेज एग्जैक्ट अब बचे हैं। सो अब ये जो टाइम है हमें बेसिकली बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, इसका एक एक दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये ऐसा टाइम है, या तो हम इसमें बाउंड्री हिट कर सकते हैं या फिर हम इसमें हार सकते हैं। सो जैसे कि सबको ही पता है, ये लास्ट का जो टाइम होता है बिल्कुल एक बैटल फील्ड की तरह होता है। या तो जो इसमें अच्छे अच्छे एक्सपर्ट होते हैं वो अपनी छोटी छोटी गलतियों की वजह से यहाँ पर गड़बड़ कर देते हैं और उनका एक दो नंबर से रह जाता है, और दूसरी तरफ हमारे पास यहाँ पे इनएक्सपीरियंस्ड लोग होंगे जिन्होंने बिल्कुल पढ़ा भी नहीं होगा या फिर इतनी अच्छी तैयारी नहीं होगी, बट वो 30 डेज़ को इस तरीके से यूज़ कर लेते हैं कि वो यहाँ पे बिल्कुल बाउंड्री हिट कर देते हैं और उनका पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर हो जाता है। सो आपको बिल्कुल भी अब रिलैक्स नहीं बैठना है। अगर आपकी तैयारी है तो भी आपको रिलैक्स्ड नहीं बैठना है, और अगर तैयारी नहीं है तो बिल्कुल नहीं बैठना है। ये 30 डेज़ जो बचे इसमें अपनी जान मार दो। सीधी बात है, सोचो कि आपने ये फॉर्म क्यों भरा था, क्या सोच के भरा था, आपका क्या एम है, नेट क्लियर करके आपने क्या सोचा है अपने बारे में, क्या करोगे, वो सब सोचोगे तो बहुत ही मोटिवेटेड रहोगे और अच्छे से उसको कर पाओगे। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि मैं दोनों कैटेगरीज़ के बारे में बात करूँ। पहला, जो पिछले 4-5 महीने से बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, पूरी तैयारी कर रहे हैं, सब कुछ जो जो तरीका है कर रहे हैं, और जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको भी इसमें हेल्प करेंगे। एंड दूसरी कैटेगरी वो है जिन्होंने अभी तक बिल्कुल कुछ स्टार्ट ही नहीं किया है, अब वो बिल्कुल ब्लैंक हैं और अब ये 30 डेज़ में वो सोच रहे हैं कि काम कैसे करना है। सो कोशिश करेंगे इन दोनों को अच्छे से डील करने की, तो पूरा वीडियो देखना एंड अच्छे से देखना। सो सबसे पहले मैं सजेस्ट करूँगी आपको, अपनी तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको साइकोलॉजिकली बहुत प्रिपेयर होना पड़ेगा। सो बेस्ट तरीका है जो मेरे टीचर्स बताते थे एंड जो मैंने इम्प्लीमेंट किया और सक्सेसफुल रहा, वही मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। 30 डेज़ है ना, तो आप ये मत सोचो कि ये 30 डेज़ में तैयारी करनी है, इसको आप कट डाउन कर दो 20 डेज़ में। अब आप सोचो कि आपका जो पेपर है वो 20 डेज़ में है, तो आपका जो स्पीड है, आपका तैयारी करने का तरीका है, इस तरीके से रखो कि आप 20 डेज़ में पूरा प्रिपेयर हो जाओ। नंबर टू थिंग, इसको अपने सामने कोई भी जो आपकी कॉपी है या जो आपका स्टडी एरिया है वहाँ पे सामने एक पेपर लगाओ और वहाँ पे काउंट डाउन की तरह लिखो, पहले 20, 19, 18, ऐसे करते करते 1 तक। और जैसे जैसे आपका दिन निकल जाता है तो उसको कट करते रहो। जैसे आपका पहला दिन निकला तो 20 को कट कर दो, दूसरा निकला 19 को कट कर दो। इसका काम क्या है, ये आपको साइकोलॉजिकल आप पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट छोड़ता है, आप सीरियस रहते हो, मोटिवेटेड रहते हो। अगर आप 1, 2, 3 लिखोगे ना तो आपको इतना फ़र्क नहीं लगेगा, आपको लगेगा अरे अभी तो इतने दिन बचे हैं, काफ़ी दिन बचे हैं, हो जाएगा। बट अगर आप ऐसे करोगे, एक वो खतरे की घंटी होती है ना, आपको पता है कि हाँ भाई अब 18 डेज बचे, अब जो करना है इसी में करना है, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। सो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप ज़रूर फॉलो करना, बहुत हेल्पफुल होता है। मेरे को किसी ने, मैंने कहीं पढ़ा था इस चीज़ को, कि आपके जो भी थॉट्स हैं, अगर आपके थॉट्स पॉजिटिव हैं या अगर आपके थॉट्स किसी एक डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो वो आपके एक्शन में इम्पैक्ट लाएगा। अगर आपके एक्शन उस डायरेक्शन में काम करते हैं जिसमें आपके थॉट्स कर रहे हैं, तो वो आपकी जितने भी गोल्स हैं या रिज़ल्ट है उसमें इफ़ेक्ट लाएगा। एंड अगर आपने वो गोल अचीव कर लिया तो सोचो आपका करियर कहाँ पहुँच जाएगा। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप पहले अपने थॉट्स को ही ठीक करो। मेहनत ज़रूरी है, मेहनत के साथ साथ आपका पॉजिटिव आउटलुक, आपका डेडिकेशन, सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अपने अंदर पॉजिटिव थिंकिंग लाओ कि आप कर सकते हो एंड उसकी तरफ वर्क करो। सिर्फ पॉजिटिव सोच कर भी कुछ नहीं होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन है, पॉजिटिव थिंकिंग प्लस हार्ड वर्क। सो ये आप कर सकते हो, सबसे पहले अपने माइंड में लाओ, इट इज़ वेरी पॉसिबल। आप कोई अलग नहीं हो, आप भी सबकी तरह हो जिन्होंने क्लियर किया है, अपने पहले अटेम्प्ट भी क्लियर करा है। सो
दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कोई तोप चीज़ नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। नाउ कम्स, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो अभी तक तैयारी करते हुए आए हैं 4-5 महीने से, उनके लिए अब क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि 30 डेज की जगह आप इसको 20 डेज लेके चलो। इसमें आप सबसे पहले अपने सराउंडिंग को डीक्लटर यानी कि साफ कर दो। अगर आपके टेबल पे सारी दुनिया भर की किताबें पड़ी है जिसको आप अभी तक पढ़ते हुए आए थे, सारे नोट्स पड़े हैं, जो भी पढ़ा आप उनको रख दो साइड पे। अब जो आपके सामने होना चाहिए वो होना चाहिए बिल्कुल क्रिस्प नोट्स, जो आपने फाइनल बनाए हैं, जिसको जिसके अंदर सारे टू द पॉइंट टॉपिक्स हैं, सब कुछ हैं, उसको रखो अपने पास। अब अपना टाइम टेबल चेंज कर दो। अभी तक आप जो भी फॉलो करते हुए आए हो उसमें अब आप लाओ चेंजेस। अगर आप पहले सोचते थे कि सुबह उठ के ये टॉपिक कंप्लीट करना है या ये सब्जेक्ट कवर करना है, अब आप उसको रेस्ट दे दो। अब आपका काम होना चाहिए जो आपको ऑलरेडी आता है, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है, आपकी तैयारी अच्छे से है, उसको करो रिवाइज। जितना पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज़ करो। देखो, अगर आपने अभी तक 80% सिलेबस भी कर लिया है अच्छे से, तो उसको अगर आप पूरा 100% भी कर लोगे ना, इस 80% को इतना अच्छा तैयार कर लोगे तो आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। ऐसा मत करना कि सिलेबस पूरा कवर करने के चक्कर में आप इसको भी ख़राब कर दो। सो पहले आप इस पर फोकस करो, ये आपका अच्छे से हो जाए, फिर इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे ध्यान दो। अब वो टाइम चला गया कि आप अपना सिलेबस कंप्लीट करने पे लगाओ, अब सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे ध्यान दो जो आपने कवर नहीं किया उसमें, और जो आपको ऑलरेडी आता है उसको 100% अपना बना लो। अब ये वो स्टेज है कि नोट्स इसमें मत बनाना। नोट्स बनाने में बहुत टाइम वेस्ट होता है, मेरी भी आदत है, मैं पढ़ते टाइम हमेशा नोट्स बनाती हूँ, बिना लिखे मुझसे पढ़ा नहीं जाता। बट नोट्स अगर बनाओ तो ऐसा स्क्रिबल करो जैसे आपकी याद कर रहे हो। कोई नए टॉपिक के नोट्स मत बनाना खोल के कि आप उसको ऑनलाइन या फिर अपनी बुक्स में कंटेंट ढूंढ रहे हो और फिर नोट्स बना रहे हो। जो आपके नोट्स हैं उन्हीं को स्क्रिबल कर लो, क्योंकि अगर इन केस आपको लिख के याद करने की आदत है तो। बट कोई भी नए टॉपिक पे नोट्स मत बनाना। देन कम स्ट्रेंथन योर स्ट्रेंथ्स। अगर आपका कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट, सपोजिंग आपने मास्टर फूड्स में किया है और आपका वो स्ट्रेंथ है, इसको आप 100% कर लो कि भाई फूड से कोई क्वेश्चन आ गया तो आप नहीं छोड़ोगे। नंबर टू, आपने जो तैयारी करी है उसमें अगर आपको लगता है आपने फैब्रिक्स और ह्यूमन डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन अच्छे से पढ़ लिया, तो उसको अच्छे से कर लो। तो बेसिकली जो आपकी स्ट्रेंथ है या जो टॉपिक्स आपने ऑलरेडी पढ़े हैं ना, उसमें अपना 100% जान मार दो। बिल्कुल भी उसको नहीं छोड़ना और किसी भी तरीके से उसको मिस नहीं करना। नाउ जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जो आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी, वो है प्रीवियस ईयर पेपर। ये अब टाइम है, आपने कंटेंट तो पढ़ लिया, तैयारी कर ली, बट प्रीवियस ईयर पेपर आपको हेल्प करेगा ये देखने में कि क्वेश्चंस एग्जैक्टली आते किस टाइप के हैं। देखो, UGC में जो मैंने ऑब्जर्व किया ना, क्वेश्चंस जो हैं मुड़ मुड़ा के सेम कंटेंट पे वही क्वेश्चन बनते हैं। अगर कभी उसका ऑप्शन में आंसर नंबर ए रहा है तो वो इस बार ऐसे क्वेश्चन बना देंगे कि उसका जो भी सी ऑप्शन था वो सही हो जाएगा। बट क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, ऊपर नीचे कर देते हैं, तोड़ मरोड़ देते हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देख लोगे ना अच्छे से, तो चांसेस है आज 60-70% आराम से आपको कन्वीनियंटली आ जाएंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी पेपर पढ़े हुए हैं आंसर्स के साथ, आपको पता है। देन जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं उसमें मैच द फॉलोइंग्स हो गए या फिर एसर्शन एंड रीजनिंग हो गया, ये सारे आपको आराम से हेल्प करते हैं बहुत सारा कंटेंट कम टाइम में कवर करने में। सो अभी का जो टाइम है आप सिर्फ इस पे लगाओ। उसके अलावा क्विज सॉल्व करो, ऑनलाइन जो क्विजेज हैं। सो अगर आप इतने टाइम से तैयारी करते आ रहे हो, सो उसका जिस्ट ये है कि अपने क्रिस्प नोट्स को रिवाइज करो, प्रीवियस ईयर पेपर को करो, अपने स्ट्रेंथ्स को और मजबूत करो, और उसके अलावा क्विज सॉल्व करो और पेपर वन पे फोकस करो। पेपर वन आप आराम से कवर कर सकते हो, उसमें जो रीजनिंग है, मैथमेटिकल एबिलिटी है, जो भी आपको टॉपिक्स अच्छे लगते हैं जिसमें आपका कमांड बेटर है, आप उसको कवर करो, तो आप इसमें पेपर वन और पेपर टू दोनों की हेल्प से बड़े आराम से बहुत अच्छे स्कोर के साथ अपना JRF क्लियर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
नाउ नेक्स्ट कम्स उनके लिए जिन्होंने अभी तक बुक्स छेड़ी भी नहीं थी, जो अब एकदम से नोटिफिकेशन आने की वजह से हड़बड़ा रहे हैं और टेंशन में है कि अब हम इसको कैसे कंप्लीट करें, क्या करें, उनके लिए ये अब वो स्लाइड है। देखो, आपने अभी तक पेपर बुक्स नहीं करी है एंड हमारे को इसमें, आपको भी पता है कि इसमें हमारे 5 सब्जेक्ट हैं, 5 फील्ड्स हैं जिसके हर लेवल तक क्वेश्चन आता है, आपके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, हर जगह से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। सो आपको टेंशन अब लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टेंशन लेके जो अब टाइम बचा है आप उसको भी वेस्ट कर दोगे। सेम बात है, 20 डेज का टारगेट लो। आपने अभी तक बुक्स नहीं छेड़ी ना, अब आगे भी मत छेड़ना, इसको कर दो साइड में, क्योंकि आप ये बुक्स खोलोगे आप और कंफ्यूज होगे, डरोगे, फिर आप उसको पोस्टपोन करने लगोगे कि यार इसको आराम से पढ़ूंगी, एंड एट लास्ट होगा क्या, आप कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे, आप खोलोगे आपको टेंशन हो जाएगी। अब वो अंडरस्टैंडिंग या समझने वाला टाइम निकल गया, आपको फोकस करना है स्मार्ट स्टडी पे। आप स्मार्ट स्टडी में आप क्या करोगे, पेपर 2 में आप कोई बुक मत छेड़ो, आप बस प्रीवियस ईयर पेपर खोलो, आप उसकी ऑथेंटिक वेबसाइट से, जो आपका NTA नेट पे ही क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल है, साथ में उसके आंसर कीज भी अवेलेबल हैं, सिर्फ आप वो खोलो, अपने क्वेश्चन पेपर पे उनकी आंसर्स को टिक करो। उसमें भी कई बार मिस्टेक्स हो जाती है, बट बहुत रेयरली ऐसा होता है कि आपको NTA की साइट पे कोई मिस्टेक दिखेगी। सो मेरा तो यही सजेशन है, आप जो भी आंसर की फॉलो करोगे वो NTA की वेबसाइट से करना, और किसी वेबसाइट से अरिहंत ट्रूमैन या किसी बुक से तो बिल्कुल मत करना, बहुत गलतियाँ होती हैं उसमें। आपको देखना, आप NTA की वेबसाइट से आंसर की लो, क्वेश्चन पेपर लो, उनको मैच करो एंड उनको रीड करो। आपको क्वेश्चन पढ़ना है और उसका आंसर पढ़ना है। कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है, जो आपको ऑलरेडी सब्जेक्ट्स पता हैं जिसमें आपने मास्टर्स किए, उनको आप अपना स्ट्रेंथ बना सकते हो, बट जिन टॉपिक्स और जिन सब्जेक्ट्स के बारे में आपने नहीं पढ़ा है उसको आप बिल्कुल भी टच नहीं करोगे, आप उनके बस प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन पढ़ोगे और आंसर पढ़ोगे। इससे क्या होगा, जब आप क्वेश्चन और आंसर पढ़ोगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सॉल्यूशन जाता रहेगा। मुझे नहीं पता ये हर किसी के साथ वर्क करता है या नहीं, बट 90% ऑफ द टाइम ये ज़रूर आपको हेल्प करेगा। और ये स्टेज अब हम उस पर पहुँच गए हैं कि कुछ ना करने से कुछ करना बेटर है। सो आप कुछ ऐसा करो कि आप कन्फ्यूज़ ना हो और जितना कर पाओ अच्छे से कर पाओ। सो प्रीवियस ईयर पेपर्स देखो, जो उनके क्वेश्चंस हैं उनको आंसर्स हैं उनको अच्छे से पढ़ो और माइंड में रखो। एक एक दो दो बार पढ़ लोगे ना, रिवाइज कर लोगे शांति से भी, तो वो आपके माइंड में बैठ जाएगा। और जब आप पेपर देने जाओगे तो कई बार ऐसा होगा कि जब आप कुछ कुछ सिमिलर सा क्वेश्चन पढ़ोगे और आप देखोगे तो आप कई बार ऐसा होगा कि आंसर्स रिलेट कर पाओगे। नंबर 2, प्रीवियस ईयर पेपर में जितने भी मैच द फॉलोइंग्स हैं और assertion रीजनिंग हो गई या फुल फॉर्म्स हो गई या जैसे मैनेजमेंट की बुक्स के नाम है और उनके ऑथर्स के नाम हैं, तो ये तो बहुत रिपीटेड हुए हैं, क्वेश्चंस बहुत रिपीट हुए हैं। सो ये तो आप 100% कर ही पाओगे। सो स्मार्ट स्टडी करना है, प्रीवियस ईयर पेपर्स को अच्छे से देखो, देन रिवाइज व्हाट यू ऑलरेडी नो। आपका मास्टर्स जिस सब्जेक्ट में है या जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है, कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे ग्रेजुएशन को जो आपको याद होंगे क्योंकि आपने उसको अच्छे से पढ़े थे, आप उनको बस रिवाइज कर लो। नाउ मेक अ कमांड ऑन पेपर 1। देखो, पेपर 1 एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप आराम से 10 दिन में अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे। सो आप इसमें बहुत सारे, लाइक हमारे 10 यूनिट्स होते हैं, आप 10 यूनिट्स में आप अपने स्ट्रेंथ्स को सबसे ज़्यादा फोकस करो एंड देन बाकी यूनिट्स को। तो अगर आप अपने पेपर 1 को अच्छे से कर लेते हो एंड पेपर 2 में ये मेन चीज़ें कर लेते हो ना, देन चांसेस बहुत अच्छे हैं कि आप इसको अपने पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर पाओ। अब पेपर 1 का अगर हम देखें तो सबसे पहला होता है टीचिंग एप्टीट्यूड। सो जो भी हमारे साथ यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट बैकग्राउंड का होगा, उसका ये चांसेस हैं कि ये बहुत स्ट्रांग होगा टीचिंग एप्टीट्यूड। और अगर नहीं भी है तो ये मेरे को लगता है कि सबसे ईजी एक टॉपिक है जो बहुत ही प्रैक्टिकल है लाइफ में। आप भी स्टूडेंट रहे हो, आपने भी अपने टीचर्स का बिहेवियर देखा है, देन ये चीज़ें अगर आप पढ़ोगे भी ना तो आपको बहुत जल्दी आसानी से ये याद हो जाएगा, ये आप आराम से कर सकते हो। देन कम्स रिसर्च एप्टीट्यूड। मास्टर्स में हो तो मास्टर्स में रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक कंपलसरी सब्जेक्ट होता ही है।
सो अगर आप इनको ब्रशअप कर लोगे तो आराम से आ जाएगा। इसमें से बेसिकली क्वेश्चंस आपका टाइप्स ऑफ रिसर्च भी आते हैं, आपको एक सिचुएशन दे देंगे और बताना है किस टाइप की रिसर्च होती है। एंड सिमिलरली आपका स्टैटिस्टिक्स में भी टू द जैसे एनोवा हो गया या जितने भी पैरामेट्रिक या नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं उनके क्या नाम होते हैं, किन टेस्ट को क्या बोलते हैं। देन हाइपोथेसिस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि हाइपोथेसिस ट्रू हाइपोथेसिस कौन सी होती है, फॉल्स हाइपोथेसिस कौन सी होती है, नल हाइपोथेसिस किस स्टेज में होती है। देन कम्स रेशियो एंड स्केल। तो ये सारी चीज़ें आपका रिसर्च एप्टीट्यूड और स्टैटिस्टिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप आराम से कर सकते हो। देन कॉम्प्रिहेंशन चांसेस हैं कि बहुत लोग आराम से इसको कर पाएंगे। आपके पास पैराग्राफ लिखा होता है, नीचे उसके क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, तो आपको पैराग्राफ में से आपको क्वेश्चन पढ़ना है और उसको आंसर करना है। तो अगर आपको इसकी तैयारी करनी है, इनकेस आपका ये बहुत स्ट्रांग नहीं है ना, तो पिछले साल के पेपर्स उठाओ, हर पेपर में एक एक दो दो कॉम्प्रिहेंशन होती है, रोज़ एक सॉल्व करो, कुछ मत करो, एक कॉम्प्रिहेंशन रोज़ एक सॉल्व करो और एक DI जो आपका मैथमेटिकल में आता है, रोज़ एक कॉम्प्रिहेंशन और DI करो, आपके ये टॉपिक्स हो जाएंगे, आपके 10 नंबर आराम से इसमें पक्के हो जाएंगे सिर्फ इन दोनों की तरफ से, बाकी तो है ही अलग से। देन कम्युनिकेशन हमारा अपना सब्जेक्ट भी है, कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन, तो हमारे को इसमें एक बहुत ही ईजी तरीका मिल जाता है क्योंकि कंटेंट ऑलमोस्ट सेम ही है, और अगर हम इस कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे तो वो पेपर 2 में भी हेल्प करेगा। सो अगर आपके पास कोई बुक हो उसको रीड मार लो, नहीं तो मैं इसके अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कोशिश करूँगी रोज़ 10-10 15-15 ऐसे क्विज की फॉर्म में अपलोड करूँ, तो आप प्लीज़ स्टे ट्यून टू माई चैनल, आप ज़रूर देखना और उसके थ्रू हेल्प मिलेगी। नाउ कम मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। इसके अंदर आपका DI आ गया, देन आपके वो ब्लड रिलेशंस वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर assertion एंड रीजनिंग टाइप आ जाते हैं, कंक्लूजन आ जाते हैं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन आ जाते हैं। सो ये रीजनिंग वगैरह आप प्रैक्टिस करोगे ना प्रीवियस ईयर पेपर, आपको वो तरीका समझ आ जाएगा। मैं इस पे वीडियो भी बना देती हूँ कुछ शॉर्ट ट्रिक्स पे जो आपको हेल्प कर पाएंगे इस टाइम पे, सो ये ज़रूर आराम से हो जाएगा। देन लॉजिकल रीजनिंग, वही जो मैंने आपको बताया, जो उसमें आपके स्टेटमेंट दिए होते हैं, कंक्लूजन दिया होता है, जैसे सम ARB, सम BRC, तो उसमें से बताओ क्या आएगा। डेटा इंटरप्रिटेशन, बेसिकली डेटा इंटरप्रिटेशन एंड न्यूमेरिकल हमारा बहुत सिमिलर सा हो जाता है। आपके जो भी मैथमेटिकल न्यूमेरिकल प्रॉफिट एंड लॉस हो गया या जो भी एज वाला हो गया, वो सब डेटा इंटरप्रिटेशन में ही उसका एक हायर वर्जन ऑफ क्वेश्चन आता है। सो आप मैथ्स का कर लोगे, अगर आपकी मैथ्स बाई चांस स्ट्रॉन्ग नहीं भी है ना, आप बस प्रीवियस ईयर पेपर को समझ लो, DI आपको हमेशा पूरे नंबर दिला देगा अगर आप उसको प्रैक्टिस कर लो रोज़ एक एक भी ना, तो आपके 30 डेज आप 30 DI प्रैक्टिस कर लो, आराम से हो जाएगा। देन कम्स ICT, ये और पीपल एंड एनवायरनमेंट, इनके क्वेश्चन सब बहुत रिपीट होते हैं। इसमें क्वेश्चन आ जाएगा कि ईमेल में जो ब्लाइंड कार्बन कॉपी और कार्बन कॉपी में जो आप नाम लिखते हो, तो फाइनली कितने ईमेल IDs शो होंगे आपको, जैसे कि ये क्वेश्चन है, वैसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो बहुत रिपीट होते हैं। सो प्रीवियस ईयर पेपर जब आप सॉल्व करोगे ना, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ICT में क्या इंपॉर्टेंट है, पीपल एंड एनवायरनमेंट में। इसमें आपका पॉल्यूशन का बहुत आता है कि जो रिवर में पॉल्यूशन है उसका मेजर सोर्स क्या है, या जो एयर में पॉल्यूशन है उसका मेजर सोर्स क्या है। सो ये सारी चीज़ें आप देखना, इनके रिलेटेड करंट अफेयर ज़रूर देखना कि कहाँ पर कितनी जो आपके यहाँ पे फॉरेस्ट फायर वगैरह लग रही है उसकी वजह से कौन सी जगह में लग रही है, क्योंकि इससे करंट अफेयर्स और एक इससे करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा आते हैं। और हायर एजुकेशन से तो इस बार बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारी नई स्कीम्स आई है हायर एजुकेशन की, ऊपर से आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया है जिसके ऊपर मैं अब वीडियो जल्दी डालने वाली हूँ। तो ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे करंट अफेयर के बेसिस पे तो ज़रूर आएगा। सो बेसिकली अगर आप इसमें अपना पेपर 1 को स्ट्रॉन्ग कर लो, पेपर 1 स्ट्रॉन्ग कर लो और पेपर 2 के प्रीवियस ईयर पेपर देख लो अच्छे से, तो आप आराम से क्लियर कर पाओगे। बट प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम, आपका टाइम बहुत प्रेशियस है, अभी करोगे तो अच्छे से हो जाएगा। स्ट्रेस बिल्कुल मत लेना, क्योंकि आपकी स्ट्रेस और एंजाइटी है तो नेचुरल, बट आपके जो काम होता है वो उसमें एक ब्रेक लगा देती है, सो वो ब्रेक मत आने दो, अपना पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो आपने नेट का फॉर्म क्यों भरा था, आपने मास्टर्स क्यों किया था,
नेट क्लियर करके आपकी लाइफ में क्या चेंज आएगा, आपको जो रिकॉग्निशन मिलेगा और जो पेरेंट्स खुश होंगे वो तो बात है ही अलग। सो अच्छे से अपनी तैयारी रखो, कोई इशू हो आई एम अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, आप कहीं पे भी मुझे मैसेज कर दो। एंड मेरा एक 1 मंथ बैच आ रहा है एग्ज़ाम ओरिएंटेड, नेट ओरिएंटेड, उसमें हम टू द पॉइंट चीज़ें पढ़ेंगे, चाहे वो टॉपिक्स हो, प्रीवियस ईयर पेपर्स हो, पेपर 1 पेपर 2 बोथ, एंड बहुत इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हो गए, आपका फुल फॉर्म्स हो गया, जितनी भी चीज़ें हैं, मैच द फॉलोइंग्स हैं, एंड इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स वगैरह, वो सब हम डिस्कस करेंगे। एंड ये कल यानी कि 24th ऑफ अगस्त से स्टार्ट हो रहा है 1 मंथ के लिए। सो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, ताकि आपकी जो भी क्वेरी होगी वो सॉल्व कर दी जाएगी एंड यू कैन ज्वाइन इन द बैच। सो गाइस, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, एंड अच्छे से तैयारी करो एंड डू योर बेस्ट। थैंक यू।